वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है और हमें एक्चुअल क्लास लिमिट फाइंड करने के लिए बोला गया है और उसके साथ साथ वेरियस क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्चुअल क्लास लिमिट सभी क्लास इंटरवल्स का फाइंड कर लेते हैं। सो क्लास लिमिट, एक्चुअल क्लास लिमिट फाइंड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड क्लास का जो लोअर लिमिट है माइनस फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके उसका हाफ करना होगा हमें, मतलब कि 35 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर को हमें लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है एंड अपर लिमिट में ऐड करना है। सो एक्चुअल क्लास लिमिट्स हो जाना चाहिए 29.5 टू 34.5, यहाँ पे हो जाएगा 34.5 टू 39.5, देन 39.5 टू 44.5, देन 44.5 टू 49.5, देन 49.5 टू 54.5, एंड एट लास्ट 54.5 टू 59.5। सो अब हमें सभी क्लास इंटरवल्स का एक्चुअल क्लास लिमिट मिल गया। अब हम आते हैं सवालों में। पहला है एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास इज दिस वन एंड इसका एक्चुअल क्लास लिमिट है 44.5 टू 49.5। सो इसका होगा 44.5 टू 49.5। दूसरा है द क्लास बाउंड्री ऑफ द सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ क्लास यानी कि इसका क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री एंड एक्चुअल क्लास लिमिट एक ही चीज होता है। सो यही होगा इसका क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हो जाएगा 54.5 टू 59.5। नेक्स्ट है द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का क्लास मार्क हमें फाइंड करना है। क्लास मार्क का मतलब होता है एवरेज ऑफ द एक्चुअल क्लास लिमिट, मतलब कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करके हमें उसका एवरेज फाइंड करना होगा। सो इस केस में होना चाहिए 39.5 प्लस 44.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 84/2 इक्वल्स टू 42। एंड फोर्थ है कि द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास का अपर एंड लोअर लिमिट, ये एक्चुअल अपर लिमिट और ये एक्चुअल लोअर लिमिट है और हमें पूछा गया है सिर्फ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो ये होगा 50 एंड 54। सो यहां पे अपर हो जाएगा 54 एंड लोअर हो जाएगा 50। एंड लास्ट है द साइज ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का साइज फाइंड करना है। सो क्लास साइज फाइंड करने के लिए हमें करना होगा कि अपर एक्चुअल अपर लिमिट माइनस एक्चुअल लोअर लिमिट का जो वैल्यू होगा वही द साइज ऑफ द थर्ड क्लास होगा। सो यहां पे हो जाएगा 44.5 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 5। सो 5 होगा द साइज ऑफ द थर्ड क्लास। सो हमें सभी सवालों का जवाब मिल गया है। थैंक यू।